नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यू में। चक्रव्यू में यूपी की राजनीति पर बात होगी क्योंकि इस वक्त सियासी माहौल बेहद गर्म है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां जोरों पर कर रखी है। कई सालों से सत्ता में दूर कांग्रेस भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही। इसी सिलसिले में कल शाम 6 बजे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस सीसी की बैठक करने जा रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को किस तरह से हाशिए से निकाला जाए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार मंथन कर रही है और कहीं ना कहीं इस मंथन में सफल भी हो रही है। बीते एक साल में यूपी में कोई हर बड़ी घटना पर उन्होंने जमीन पर उतरकर योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। लगातार वो ट्वीट भी करती रहती हैं, सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं, लेकिन कांग्रेस को लगातार उसके कार्यकर्ता बड़ा झटका दे रहे हैं। ये भी एक कड़वा सच है कांग्रेस के लिए। एक तो कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा शामिल नहीं हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उसके कई कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। तो यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। चुनावी रैलियों से लेकर लुभावने वादे तक सब कुछ पार्टियां जोर शोर से कर रही हैं। तो बीजेपी के सत्ता वाले इस राज्य में पार्टी को कड़ी चुनौती देने के लिए हर पार्टी पुरजोर कोशिशों में लगी हुई है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है और पार्टी जमकर बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। तो कई सालों से सत्ता में नहीं आई है, लेकिन इस वजह से फैसला लिया गया है कि प्रियंका गांधी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। तो इसको लेकर जैसा कि हमने पहले बताया कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको जानकारी दे दें तो इस बैठक से पहले यूपी में बीते 4 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का क्या हाल रहा है वो भी आपको बता देते हैं। 2017 में 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। 2012 की बात की जाए तो 2012 में 28 सीटें, 2007 में 22 सीटें और 1996 में 25 सीटें, यानी कि दशकों से कांग्रेस सत्ता पर काबिज नहीं हुई है और अब लड़ाई ट्विटर से लेकर जमीन तक हो रही है। तो वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की सरकार बनने पर कानून बनाकर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो अपनी सामाजिक परिवर्तन यात्रा के तहत कौशाम्बी आए शिवपाल ने मझनपुर तहसील के कोडार गांव में एक जनसभा का आयोजन किया था और इसी दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हम प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को कानून बनाकर सरकारी नौकरी देंगे। इसके अलावा हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और स्नातक बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपये भी दिए जाएंगे। ये बड़ा वादा यहां शिवपाल यादव कर रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा है कि सपा से गठबंधन ही नहीं बल्कि वो विलय भी करना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव शायद तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की है, इसके बाद छोटी छोटी जो सेक्युलर पार्टियां हैं, जो छोटे छोटे दल हैं और समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं, दल हैं, उनसे गठबंधन की कोशिश भी लगातार की जा रही है। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए सभी सेकुलर दलों को एक साथ आना चाहिए। तो ये शिवपाल यादव का प्लान है बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए। इसके अलावा कांग्रेस का प्लान हम आपको बता चुके हैं। सपा का प्लान ये है कि सपा मुफ्त बिजली की बात कर रही है, 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात सपा भी करती है। इसके अलावा सपा हर मुद्दे को लेकर ये कहती है कि वो एक मजबूत विपक्ष है और हमारी पार्टी के अलावा कोई और विपक्ष प्रदेश में नहीं है। तो ऐसे में कड़ी टक्कर बीजेपी और सपा के बीच है। वहीं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बेतुका का बयान देकर योगी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी विरोधी दलों के निशाने पर आ गए हैं। यानी कि बीजेपी के कुछ नेता ऐसे हैं जो कोई ना कोई मौका विपक्षी दलों को दे ही देते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उपेंद्र तिवारी के बयान को लेकर जोरदार तंज कसा है। अखिलेश ने शुक्रवार को ट्वीट कर दिया और ट्वीट कर उपेंद्र तिवारी को आड़े हाथों ले लिया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष यानी कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर, जो कि हाथ मिला चुके हैं अखिलेश यादव से, उन्होंने भी मंत्री के बयान को लेकर निशाना साध दिया है। अखिलेश कहते हैं कि यूपी के भाजपाई मंत्री जी ने महंगाए पेट्रोल से आम जनता को फर्क नहीं पड़ता, ये उनका बयान है, क्योंकि 95% जनता को पेट्रोल की जरूरत नहीं है। ये बयान योगी जी के मंत्री के सामने आए हैं। अब मंत्री जी को भी नहीं पड़ेगी क्योंकि जनता उनको पैदल कर देगी, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं।
सच्चाई तो ये है कि 95% जनता को भाजपा की जरूरत नहीं है। अखिलेश ने ये भी पूछा कि थार में तो डीजल पड़ता है ना, थार से उनका मतलब था लखीमपुर खीरी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए यूपी की राजनीति की, तो ये लगातार दल बदल की राजनीति बढ़ रही है, लुभावने वादे लगातार दिए जा रहे हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। विजय खेरा प्रवक्ता है बीजेपी से, दयाराम भार्गव प्रवक्ता है सुभाषपा से, अक्रम सिद्दकी सपा से नेता हैं, भूदेव शर्मा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आप सभी का बेहद अभिनंदन है चक्रव्यूह में। और इस खास प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी भूदेव शर्मा जी से, क्योंकि कांग्रेस इन दिनों काफी ज्यादा आग बबूला नजर आ रही है, हर मुद्दे को भुना रही है, हर मुद्दे पर आवाज उठा रही है। और कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है और कल एक प्रतिज्ञा यात्रा भी कांग्रेस निकालने जा रही है। क्या समझे भूदेव जी, क्या समझे इस प्रतिज्ञा यात्रा से, इस मीटिंग से? देखिए बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि 19 अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1970 से पहले से उत्तर प्रदेश की तुलना कीजिए जब वहां कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। उस समय उत्तर प्रदेश पूरे देश में सर्वाधिक राजस्व देने वाला राज्य हुआ करता था, लेकिन 1970 के बाद उत्तर प्रदेश में जो धर्म की राजनीति, जो जातिवाद की राजनीति वहां पर उत्पन्न हुई, जिसका खामियाजा आज उत्तर प्रदेश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि 1970 के बाद जहां सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, या गठबंधन की सरकार, हर सरकार में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को पिछड़ेपन की ओर लेकर के गए हैं। और आज उत्तर प्रदेश के जो हालात पूरा देश देख रहा है, क्योंकि आज वहां जो बेरोजगारी है, वहां अगर बेरोजगार युवा अगर रोजगार के लिए आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। एक तानाशाही शासन किस तरह होता है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। और कांग्रेस पार्टी, पहले पूरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी जो क्या है, पूरे कोरोना के समय में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी रही है, चाहे अपनी जान की परवाह किए हुए बिना कांग्रेस के सिपाही। और जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में थी, वो अपने घरों में अपनी जान बचाने के लिए धमके हुए थे। उसके बाद देश के जो भी मुद्दे हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो, मजदूरों के मुद्दे हो, केवल आज पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में, केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही है जो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। चाहे लखीमपुर खीरी की घटना हो, हाथरस की घटना हो, या फिर आगरा की घटना हो, हर जगह लोगों के साथ उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में केवल कांग्रेस पार्टी ही दिखाई दे रही है। इसलिए इस बार लोग समझ चुके हैं कि केवल कांग्रेस पार्टी ही है जो देश के लोगों का भला कर सकती है, इस देश में सरकार चला सकती है। इसलिए आज दूसरी पार्टियों को, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, इनको अब जातिगत आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। कोई ब्राह्मण आंदोलन कर रहे हैं, कोई हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन विकास की राजनीति, विकास के नाम पर वोट न तो सपा मांग रही है, न बसपा मांग रही है, न बीजेपी मांग रही है। और कांग्रेस पार्टी केवल और केवल वहां पर विकास को लेकर के, रोजगार को लेकर के, किसानों के मुद्दों को लेकर के, और उत्तर प्रदेश के विकास के जो भी मुद्दे उनको लेकर के हम चुनाव में जा रहे हैं। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भूदेव जी, हाँ जी, अब पूछ लूं आपसे सवाल? हाँ जी, चलिए ठीक है। ये बताइए कि आप खुद ये कह रहे हैं कि 1970 के बाद से जो भी पार्टियां यहां पर सत्ता में काबिज हुई हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब 1970 के बाद से दूसरी सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो जनता ने आपको मौका क्यों नहीं दिया? मैंने वही बताया ना कि 1970 के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहां की जनता को पाकिस्तान मुसलमानों का दर्द दिखाया गया, सपा और बसपा के द्वारा मुस्लिमों को हिंदुओं का दर्द दिखाया गया। जो जातिगत और जो धर्म की राजनीति की गई, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को मौका नहीं मिला। लेकिन हमने ये ठाना है कि हमें सरकार बने या ना बने, लेकिन हम देश के राज्यों के लोगों के विकास की बात करते रहेंगे। हम देश को बांटने की विकास नहीं बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस देश को बनाने में कांग्रेस पार्टी का जो योगदान है वो शायद किसी और का नहीं है। शायद इसीलिए इतने लुभावने वादे किए जा रहे हैं, तभी इतने लुभावने वादे किए जा रहे हैं। नहीं, वादे तो सरकार के, ये विकास जो भी वादे हैं वो तो विकास के वादे हैं। जो विकास, जो उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है,
तो उसको बराबरी में लाने के लिए वो वादे भी किए जाएंगे, लेकिन जे पार्टियां तो वादे करने के बाद भी वहां किसी भी तरह का कोई विकास नहीं है, केवल और केवल बांटने की राजनीति जा रही है। किसान परेशान है, बेरोजगार युवा परेशान है, मजदूर परेशान है। आज जो परेशानी वहां लोगों को झेलनी पड़ रही है, तो इसलिए आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ठीक है। उत्तर प्रदेश में सब परेशान है, राजस्थान पंजाब में सब बहुत बढ़िया है, सब एकदम चंगा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। विजय जी, बहुत देर से आप सुन रहे हैं और बहुत मुस्कुरा भी रहे हैं। देखिए, आप अभी भूदेव जी की बात का जवाब दे, उससे पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। उपेंद्र तिवारी जो कि योगी सरकार में मंत्री, आखिर उन्हें क्या हो गया है? क्यों बेतुका बयान दे रहे हैं? कह रहे 95% लोगों को पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं है, बैलगाड़ी चलाएं। विजय खेरा साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? खैरा साहब, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। दयाराम भार्गव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। खैरा साहब, ठीक है, खैरा साहब ठीक है। आवाज जी, खैरा साहब बोलिए। जी, काजोल जी, मेरी आवाज आ रही है? दयाराम जी, आपके पास आऊंगी। भार्गव जी, एक मिनट, आपके पास आऊंगी। खैरा साहब की आवाज ठीक आ रही है, वो अपनी कुछ बात रख रहे थे, उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। हाँ सर, विकास का सवाल है, लेकिन पश्चिम का विकास का आपको सबसे पहले अभी जो इंटरव्यू की वैक्सीन निकली, 27 साल की वैक्सीन निकली तो उसको 45 साल के बाद, लेकिन ये आवाज क्लियर नहीं आ रही है विजय सर की, प्लीज इसे क्लियर करो। ठीक है, गुदेव जी ठीक है। विकास की बात करें तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में 7 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतिदिन बनता था, उन्हें 2830 किलोमीटर प्रतिदिन बना के दिखा दिया, जो संभव कठिन लगता है। विजय जी, नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप वैक्सीनेशन पर जा रहे हैं, आप विकास पर जा रहे हैं, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, उपेंद्र तिवारी जी ने आखिर क्यों कहा कि 95% लोगों को, देखिए वैक्सीनेशन पर कल बहुत चर्चा हुई है। खैरा साहब, उपेंद्र तिवारी जी ने 95% लोगों को पेट्रोल की जरूरत नहीं है ये कहा है, तो आप मुझे बताइए कि खैरा साहब की आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, मैं भार्गव जी का रुख करूंगी। भार्गव जी, आपकी पार्टी मजबूत, कोई टेक्निकल इशू हो रहा है शायद, इस वजह से आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, इसे ठीक कराएंगे फिर आपके पास वापस लौटूंगी। स्टूडियो से कोई कॉल कर देता है उससे रुक जाता है। जी, इसको मैं ठीक कराती हूँ अभी। भार्गव साहब, आप ये बताइए कि आपकी पार्टी किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या एक दूसरे का साथ लेते रहेंगे या आगे भी कुछ खुद से भी बढ़ेंगे, लेकिन अपनी शर्तें पूरी मनवा रहे हैं? देखिए काजोल जी, आवाज बहुत भनभना रही है काजोल जी, इको साउंड हो रहा है शायद, टेक्निकल इशू है, मैं ठीक कर, ठीक है, मैंने बोल दिया है ठीक करने के लिए। देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर, आपने देखा होगा 2016 में 17 के उपेक्ष में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके जी, और हम लोगों ने पूर्वांचल के 27 जिलों के 125 सीटों पर हमने साथ दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी 14 साल बनवास के बाद सत्ता में आई थी और हमारी कुछ मांगे थी पार्टी की, जनता की मांगे थी। अरे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट अगर भारतीय जनता पार्टी लागू कर देती तो आज पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के जो लोग हैं, सुनते रहिएगा खैरा साहब, आवाज नहीं आ रही है।
जी बोलू काजोल जी मैं। जी 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 देखिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, अगर काजोल जी आज ये लोग लागू कर दें तो जिन पिछड़े जात के आज तक थाने चौकी सिपाही दरोगा चपरासी नहीं बन पाए हैं उसमें उन जातियों के बेटी बेटाओं को जो है लाभ मिलने का काम होता। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट अगर लागू हो जाएगा उत्तर प्रदेश में तो आप बताइए इसमें क्या राजभर जी को फायदा है? इसमें उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता में जो ओबीसी समाज है उन जातियों को फायदा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है, इसकी कथनी करने में बड़ा अंतर है। अभी आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की समस्या ही समस्या है, लूट हत्या बलात्कार अपराध फड़ौती पत्रकारों की हत्या आज चरम सीमा पे हमारे उसमें है, लेकिन कहीं भी भारतीय जनता पार्टी इसमें सुनवाई नहीं करती। जब पेट्रोल हमारे देश में काजोल जी जब 65 से 70 रुपए लीटर था तब भारतीय जनता पार्टी को महंगा दिखाई देता था, आज 106 रुपए 3 रुपए 2 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता प्रवक्ता सांसद विधायक मंत्री एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जवान पे लाके कह दे हाँ जी महंगाई है, ये सरकार महंगाई लाई है। तो इसलिए आपने सपा का साथ चुनना बेहतर समझा कि हम सपा के साथ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ काजोल जी ठीक है ठीक है, काजोल जी बहुत फिरस्ती है भारतीय जनता पार्टी का, मैं आपको बता दूं, आप बताइए इसी देश में पहली बार इतिहासों में दर्द हो गया कि शमशान घाट से लाते गांव में आ रही है, गाजियाबाद के मोदी नगर की बात करता हूँ जहाँ बताइए जो लोग शमशान घाट में दाह करने गए थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा वह बनी थी और भरभरा के 6 महीने में गिर जाती है उसमें 24 लोग मारे जाते हैं, ये बताइए कहाँ नाकामी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की? लूट हत्या प्राण बलात्कार बहन बेटियों का जो है इस प्रदेश में चलना दूर हो गया और महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, आलू आज 50 रुपए किलो है, आप प्याज लगा लीजिए 60-70 रुपए किलो है, सरसों का तेल 200 पार चला गया है, आप बताइए अरहर का दाल जो 60-70 रुपए। ठीक है बाटा साहब, ठीक है बहुत शिकायत है आपको, बहुत शिकायत है बीजेपी से, अब सुन लीजिए जिसका दामन आपने थामा है क्या वो आपकी शर्तों को पूरा करेंगे? देखिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना प्राथमिकता है, घरेलू तो इस पर मुहर लगा दी अखिलेश यादव ने, महंगाई कम करना प्राथमिकता है, लोगों को शिक्षा रोजगार देना प्राथमिकता है, और जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की बांटो और राजनीति की का काम कर रही है उस वो मुद्दा हमारे लिए है। भारतीय जनता पार्टी केवल विभ्रमता फैलाती है, झगड़ा करने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में 4.5 सरकार में बता दीजिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कितनी नौकरियां दी है, ये केवल हवा हवाई की बात करते हैं। ठीक है बहुत गुस्सा है, बहुत भार्गव साहब का नाम ही है, भार्गव साहब बहुत नाराजगी है, बहुत गुस्सा है। ठीक है बस करिए। ठीक है अकरम साहब भी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, आपके भाई बंधु हैं क्योंकि दोनों हाथ मिला चुके हैं, अब तो खुश होंगे बहुत, और ये भी सोच लिया होगा कि अब तो जीत निश्चित है क्योंकि ओबीसी का वोट भी मिल जाएगा। देखिए और नहीं आप लगातार ये तो कहते हैं कि बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी ने बहुत वादे किए थे वो नहीं किया, सपा क्या कर रही है 400 यूनिट मुफ्त बिजली देगी, सिर्फ बस यही करेगी और कुछ नहीं करेगी, 400 यूनिट फ्री बिजली 24 करोड़ की जनता को, क्या ये पॉसिबल है? देखिए पॉसिबल और अदर तो ये क्या है आपको तो आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन करना चाहिए था अकरम साहब, आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन करने चाहिए था, उसी की तर्ज पर आप चल रहे हैं। देखिए दिल्ली नहीं है यूपी, दिल्ली में 2 करोड़ की जनसंख्या, यूपी में 24 करोड़,
तो आप दिल्ली से यूपी की तुलना में क्या करें, क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तो अकरम साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, शायद कोई इशू हो रहा है। भूदेव जी का मैं रुख करूंगी। भूदेव जी, सब प्रलोभन दे रहे हैं, आपकी पार्टी ने भी खूब प्रलोभन दिया है। इस बार प्रियंका गांधी मैदान में हैं, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हाशिए से क्या उम्मीद है कि कुछ आंकड़ा हम छू पाएंगे? काजल जी, जैसा कि मैंने अभी अभी बोला कि उत्तर प्रदेश में अब लोग केवल और केवल कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने देखा कि कोरोना महामारी के समय किस तरह से जिस भारतीय जनता पार्टी पर उनको भरोसा था, जो झूठे वादे करके लोगों को बरगला करके, देश के युवाओं को बरगला करके, अरे देखिए आप बीजेपी का मत गिनाइए, बरगलाए क्या, आप अपना बताइए ना, बिल्कुल अपना विजन क्लियर करिए, बता रहे ना अपने विजन क्लियर कर रहे हैं ना, जब तक देश देखेगा नहीं, देश के लोग, अरे देश देख रहा है, देश सब देख रहा है, देश की जनता, देश की जनता, अब वो जनता नहीं है कि आप लालच देकर बरगला लेंगे, अब जनता बहुत स्मार्ट है। काजल जी, वही मैं बता रहा हूँ कि अब तक देश के और उत्तर प्रदेश की जनता को लालच देकर बरगलाएगा, लेकिन कोरोना के समय जब लोगों के नदियां लाशों की नदियों में तैर रही थी, उस समय भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सिपाही कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए थे, और आज पूरे देश में जब महंगाई अपने चरम स्तर को छू रही है, देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आपका फर्ज बनता है जनता की रक्षा करना, सुरक्षा करना, बिल्कुल, तो ये गिनाइए मत आप, वही ये कोई एहसान नहीं किया है आपने। आपने पूछा कि आप किस विजन को लेकर के जाएंगे, तो बताया है कि अब लोग जान चुके हैं कि ये जो झूठे वादे करके बरगलाते थे हमें, चाहे सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, उनको सभी लोगों ने देख लिया है, कोरोना के समय देख लिया, महंगाई में देख लिया, किसान आंदोलन कर रहे हैं 11 महीने हो गए, उन्होंने देख लिया कि केवल, और कांग्रेस के पास मुद्दा आ गया किसान आंदोलन का, बहुत अच्छा उलझा सकती है, बिल्कुल, जो देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, आज प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, पूरे देश के लोगों के साथ जिस तरह से खड़े हैं, पूरे देश में कोई नेता खड़ा हुआ नजर नहीं आता। अकरम साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्लिक करके बोलिए। भूदेव जी कंप्लीट कीजिए। उत्तर प्रदेश में सपा पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों के मुद्दों को नहीं उठा पा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक और विधानसभा में हर जगह, अच्छा अब तक तो कांग्रेस पार्टी सोई हुई थी, अब तक तो कांग्रेस पार्टी सोई हुई थी, दिखाया जा रहा है अब तक कांग्रेस पार्टी सोई हुई थी, अचानक कांग्रेस पार्टी जाग गई है, नहीं अचानक नहीं, इस तरह से जनता के वोट मिल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, हमेशा लोगों के मुद्दों को उठाती रही है। ठीक है, सीएम चेहरा बताइए, सीएम चेहरा बताइए, क्या प्रियंका गांधी होंगी सीएम चेहरा? प्रियंका गांधी, काजल जी शायद आपको नहीं पता कि पूरे 70 साल के इतिहास में आज तक कभी भी कांग्रेस पार्टी ने कभी चुनाव से पहले कभी ये घोषित नहीं किया है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। अरे तो हम अंदाजा तो लगा सकते हैं, ठीक है, नहीं किया, ठीक है नहीं किया, लेकिन कोई चेहरा भी नहीं है ना आपके पास, विधायक चुनेंगे, चेहरा बताइए, बड़ा चेहरा बताइए, चलिए ठीक है बड़ा चेहरा बताइए, फिर मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, हर कार्यकर्ता अपने आप में चेहरा है, हर विधायक अपने आप में चेहरा है, कार्यकर्ता दिखाई क्यों नहीं देते फिर जमीन स्तर पर? नेता होगा और वो मुख्यमंत्री बनेगा, जो सारे विधायकों की राय होगी जिसे सभी मिलकर के चुनेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कभी अपने नहीं, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने, जिस तरह भूदेव जी सुनिएगा, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% टिकट में आरक्षण की बात कही है, तो इससे तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सीएम चेहरा भी महिला होना चाहिए, और प्रियंका गांधी से बड़ा चेहरा है ही नहीं। नहीं देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि विधायक जो वहां के चुन के आएंगे उनको ये अधिकार है कि हमारे विधायक दल का नेता कौन होगा, तो जो विधायक वहां के चुनेंगे कहीं हमारे विधायक दल का नेता होगा वो सीएम बनेगा, वो महिला को चुनते हैं, पुरुष को चुनते हैं, जिसको भी चुनेंगे वो वहां सीएम बनेगा। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में
सरकार बनेगी, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो किसी पार्टी के ने पहली बार पूरे देश में किया है शायद, और आगे भी ये प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी, चाहे हम लोकसभा के चुनाव लड़े चाहे हम विधानसभा के चुनाव लड़े। ठीक है, और जिस समय ये अनाउंसमेंट किया जा रहा था उस समय सिर्फ दो महिला प्रियंका गांधी के अलावा नजर आ रही थी मंच पर। हेलो देव जी, मैं ये कह रही हूँ कि जिस समय ये अनाउंस किया गया था उस समय सिर्फ दो महिला नजर आ रही थी प्रियंका गांधी के अलावा। हाँ जी बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण दिखा नहीं गई, महिलाओं को टिकट दिया जाएगा नहीं, कैसे नहीं दिखा? आज कांग्रेस पार्टी के संगठन में 33% पद महिलाओं को दिए जाने का प्रस्ताव पारित हो गया है, हर जगह महिलाओं को आगे बढ़ाने का। अच्छा, पूनम पंडित को शामिल करके, पूनम पंडित को शामिल करके खुशी बहुत ज्यादा शायद हो रही है कांग्रेस को। नहीं देखिए देखिए, ऐसा नहीं है कि पूनम पंडित को शामिल करके, मैंने अभी अभी आपको किसानों का वोट आराम से मिल जाएगा, किसानों का वोट मिलना आसान हो जाएगा। देखिए ये किसानों पर निर्भर करता है, हम तो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं। काजल जी, आज देश का प्रत्येक युवा कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहा है, क्योंकि आज इस सर्वाधिक युवा शक्ति वाले देश में जिस तरह से युवाओं को हाशिए का दखल दिया गया है, आज अपने आप को युवा ठगा महसूस कर रहा है, किसको रोजगारों को छीना जा रहा है, हर जगह उसको पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी की ठीक है अकरम साहब बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, पांडे हो दूसरे युवा हो सभी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। देखिए कल जी वो पूनम पंडित है, पूनम पंडित है, पहले अपने आप को करेक्ट कीजिए, पूनम पंडित है वो। अकरम साहब कुछ देर बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अकरम जी बोलिए। ये कांग्रेस का पहली बात है, उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस की तरफ देख रहा है। अब आवाज क्लियर नहीं आ रही है करम जी, कांग्रेस का विजन क्लियर नहीं है, इसी कारण से सपा का विजन क्लियर नहीं हो रहा है। आप तो देश के विजन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के विजन की बात कर रहे हैं, आप अपना विजन बताइए ना, आपका विजन तो क्लियर ही नहीं है। वहाँ के गरीब है, मजदूर है, दलित है, सिर्फ तंज कसते रहिएगा, विजन क्लियर मत करिएगा। कंधे से कंधा मिला करके खड़े होना, आखिरी गांव के आखिरी तो मुसलमानों को दरकिनार क्यों कर दिया है? डर लग रहा है कहीं ब्राह्मण नाराज ना हो जाए? नहीं, मुसलमानों की बात कहीं हो नहीं रही है, इस बार कहीं नहीं हो रही है, सपा में तो हो ही नहीं रही। क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हम लगातार फील्ड पे रहते हैं और देखते हैं किसी भी बयान में, किसी भी मंच पर जब अखिलेश यादव बोलते हैं मुसलमानों के लिए आज कुछ नहीं कह रहे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अखिलेश यादव जी लगातार जो है मुसलमानों की आवाज उठाते रहे हैं, और अभी मैं अभी अभी मैं जो है आपको ये लग रहा है मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के स्टूडियो का दौरे कर रहा है, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा, आपको बात जो है जनता के बीच ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप 400 यूनिट फ्री बिजली दीजिए, और शिवपाल चाचा जी यहाँ पर स्वरोजगार को लेकर 5 लाख रुपए देंगे, बहुत बढ़िया। ये प्रलोभन देकर आपको लगता है कि आपको युवाओं का वोट मिल जाएगा? आपको अभी नहीं, आप तो आदरण श्री अखिलेश यादव की घोषणा पत्र अभी जारी नहीं किया है, और आदरण श्री अखिलेश यादव जी घोषणा पत्र में 2 लाख पहुंचाते हुए उत्तर प्रदेश के जनता को हर वर्ग को अपने वादे लाएंगे। अरे वो तो वक्त बताएगा जनता को कितना लाभ पहुंचाएंगे और कितना लाभ पहुंचाया है समाजवादी पार्टी ने। चलिए ठीक है, खरा साहब आपकी आवाज पहले ठीक नहीं आ पाई थी, उम्मीद करती हूँ कि अब आपकी आवाज ठीक आएगी। खरा साहब बोलिए, ठीक है अकरम साहब घोषणा पत्र से कुछ नहीं होता, जमीनी स्तर पर भी काम करना पड़ता है, जनता का वोट तभी मिलता है। 2012 में लैपटॉप हम देंगे तो सत्ता में आ गए, तो सोचा कि अब की बार फ्री बिजली देते तो भी सत्ता में आ जाएंगे। कांग्रेस जैसा, अरे कांग्रेस को छोड़िए, आप अपनी बात करिए। समाजवादी पार्टी जनता की लड़ाई, जब सरकार बने तो जनता की लड़ाई।
आज उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां कांग्रेस से ही डरी हुई हैं। ठीक है सभी पार्टियां डरी हुई हैं, वो तो अभी खरा साहब बताएंगे, क्योंकि सत्ता में जो है वो ज्यादा डरे होंगे, उन्हें सत्ता जाने का डर होगा। खरा साहब आज जो तानाशाही रूप भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसके प्रति आवाज उठाइए। आप अपने आप को विपक्ष बोलते हो, आप आवाज उठाने तक नहीं आ रहे हैं लोगों की। बुदेव जी, जिस तरह से किसानों को कुचला जा रहा है, लड़कियों को रात को 12 बजे जलाया जा रहा है, आवाज उठाइए, लोगों का वोट मांगिए। आप मुझे कह रहे हैं बुदेव जी, एक मिनट बुदेव जी, आप मुझे कह रहे हैं केवल लोगों को बांट करके जातिगत सम्मेलन करा के आप सरकार नहीं बना सकते। आप किसे कह रहे हैं बुदेव जी, आप किसे कह रहे हैं? जो VIP नेता है निकल कर बाहर नहीं। एक मिनट अक्रम साहब, समाजवादी पार्टी जितने अक्रम जी को बता रहा हूँ। अक्रम साहब तो सुन ही रहे हो, तो अपनी बोली जा रहे हैं, लोगों के बीच में आइए उनकी। खैरा साहब बोलिए, अक्रम जी चुप हो जाइए। ठीक है अक्रम साहब आपके पास लौटेंगे। खैरा साहब बोलिए, इन सब का झगड़ा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है, वो तो शिवपाल यादव कह ही चुके हैं कि छोटे छोटे दलों को साथ आना चाहिए, बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। ये आपस में ये भिड़के क्या करेंगे, सारा समय तो ये लोग भूल चुके हैं। अब मुझे अगर दो मिनट जवाब देने का मौका दीजिएगा तो जी कम से कम ये अभी कह रहे थे सारी सेकुलर पार्टियां इकट्ठी हो गई। अरे हमने तो तुमको सेकुलर बना दिया, हिंदुओं के दुश्मनों को सेकुलर बना दिया, जो सिर्फ मुसलमानों की अल्पसंख्यक की कल बात करते थे और हिंदुओं के साथ अत्याचार किया और जातियां की, हमने तुम्हें सिखा दिया कि सब बराबर है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जैन हो चाहे सिख हो, सब बराबर है, जो इस देश का नागरिक है बराबर का हक रखता है। इनका कहना था ना कि उपभोक्ता अधिकार स्रोत के मुकुल अल्पसंख्यकों का पहले है। इनका क्या था, उन सबको चंदा के लिए मस्जिदों को और दूसरे धर्म के जितने भी मंदिर या जो भी है उन सबको कोई चंदा नहीं, उनका कोई हिसाब नहीं, उनका सरकार से कोई लेन देन नहीं, और हिंदुओं के मंदिरों पर टैक्स भी और कस्टोडियन भी, ये जुर्म था। हमें इससे कोई शिकायत नहीं है, अगर हज जाने वालों के लिए आप जगह बनाते हैं तो हिंदुओं के बद्रीनाथ जाने वालों के लिए क्यों नहीं बनाई गाजियाबाद में? क्यों दुश्मन था हिंदू तुम्हारा, हमने तुम्हें सेकुलर बना दिया है क्योंकि हम सेकुलर हैं, सेकुलर थे, सेकुलर रहेंगे, लेकिन हिंदू या मुसलमान किसी के साथ जाति नहीं होने देंगे। जो जाति आपने की है उसका आपको प्रणाम मिल गया, और कम से कम यही अच्छी बात है कि आपने भले राम मंदिर के भक्तों को मारा, गोली चलाई, सब कर्म कर लिए आपने, आज आप दुरुस्त आ गए हो, यही ठीक है। आज कांग्रेस के नेता मंदिर जाके शुरुआत करने लगे, आप बाद में बोलिएगा, चुनाव जाके शुरुआत करने लगे हैं, यही बहुत है। अरे विजय जी, अरे तो मंदिर किसी एक का थोड़ी ना है, देश के विकास की बात, मंदिर किसी एक का थोड़ी ना है, मंदिर तो कोई भी जा सकता है, मंदिर किसी एक का थोड़ी ना है, आपको कॉपीराइट थोड़ी ना है उस पे, बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है देश के मंदिरों में। आपने तुम तो बोल ही नहीं सकते भूदेव, तुम्हारे नेता तो नहीं रहा, क्या आपने रजिस्ट्री करा लिया? नहीं तो डिबेट में सुनने थोड़ी ना बैठे हैं, आपके कानपुर के कार्यालय से सर्टिफिकेट लेके आएंगे इनके कार्यालय से थोड़ी ना बैठे हो, बोलेंगे भी तो। आप लोगों ने इस देश का जितना नुकसान किया है, आप लोगों ने इस देश का जितना नुकसान किया है ना, इस देश को जो बांटने का काम आप कर रहे हो, याद रखना इसका नतीजा आपको मिलेगा, ठीक है? देश की जनता देगी आपको इसका जवाब। तुम दो मिनट नहीं सुन पाए, देश की जनता आपको इसका जवाब देगी, उनके दीजिएगा जवाब पहले। नहीं, ये बार बार जो आप मंदिर पे, आपने मंदिर पे आपने अधिकार जमा रखा है क्या? आपका है क्या मंदिर? चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाओ। नहीं, मंदिर आपका है क्या? तो मंदिर कोई जा नहीं सकता। आप गंगा के नाम पे, आप गाय के नाम पे और राम मंदिर के नाम पे आपने हिंदुओं के लिए बांटने का काम किया है, तो आप सत्ता पाने के लिए, आप सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। सुनिए जरा, आज पूरे देश को आपने इतना पीछे लेके चले गए विकास के नाम पे, लोगों को बरगला करके। आप दोनों अगर एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो शायद हमें भी समझ आएगा। भूदेव के पास कोई मटेरियल नहीं है बोलने के लिए, कुछ नहीं है, इसलिए बीच में डिबेट खराब करते हैं। देखिए, सत्तर साल सत्ता में रहे हैं वो, आपके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। मंदिर से ऊपर कुछ है नहीं, आपके पास हिंदू मुस्लिम और मंदिर से ऊपर कुछ है?
मंदिर क्या किया? अरे देश के विकास की बात करो, देश के विकास की। तुमने कहा कि डिले करो, आज देश को तुमने पाकिस्तान से पीछे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, पाकिस्तान से पीछे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, बहुत 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 झगड़ा हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, आप सुन लीजिए खैरा साहब, आप सुन लीजिए, आप ये बताइए खैरा साहब, आप मेरे ना 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 मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आपको मौका देना पड़ेगा, आप इन लोगों ने बोल दिया, खूब बोल दिया, मेरे बीच में भी बोल रहे हैं बार बार, आप मौका लीजिए, लेकिन आप चले ठीक है, आप बोल लीजिए पहले। नहीं नहीं ऐसे नहीं, नहीं ठीक है बोलिए, मैं भी चिल्ला सकता हूँ, चलिए बोलिए, कह सकता हूँ कि कांग्रेस में क्या ना 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 नाराज मत होइए, नाराज मत होइए, बोलिए। गांधी प्रियंका गांधी ने अपने भाई को चुनाव हरा दिया अमेठी से, क्या बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी के समय में कांग्रेस 50 सीट के आसपास आई, जो कभी 140 से कम सीटें लोकसभा में नहीं जीती। सीताराम केसरी जी के समय भी 142 सीटें आई, नरसिंह राव के समय भी 146 सीटें आई, सोनिया गांधी के समय भी आई थी सीटें 140 के आसपास। तो आपने राहुल गांधी के नेतृत्व में आप आ गए 50 सीट पे दो दो बार, सड़क पे हो गई है कांग्रेस। वो देश के वो देश आपको भी दिखाएगा, आप जैसे 200-300 पे गए, आप दो सीट पे भी नहीं रह पाओगे, आप दो सीट भी नहीं रहेगी, वक्त का इंतजार करो। जिस तरह से आपने देश के लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया है, जो देश के लोगों को जो बेवकूफ बनाने का काम किया है, वो देश की जनता देख रही है। प्रदेश में अभी आप पूरा विधानसभा संभाला था प्रियंका गांधी ने, तो क्या हुआ? अरे सच के सामने आओ, सच को फेस करो। अरे सच के सामने आप आइए, 15 लाख रुपए कहाँ गए? 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? कहाँ गई हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं करते? महंगाई कहाँ गई? आप लड़ते रहिए, आप लड़ते रहिए, लड़ते रहिए, जनता के विकास के मुद्दों पर आपकी बात नहीं होती है। आप तो अपने अंदर जो आग, अपने अंदर जो आग भरी पड़ी है ना, वही निकालिए। ये विकास की बात, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति जो गुस्सा है, जो रोष है, वही निकालिएगा, वही उगलिएगा। इससे ऊपर नहीं बढ़ पाए, शांत हो जाइए। क्या सच नहीं है कि अमेठी से चुनाव हारे हो? शांत हो जाइए। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हारे थे, चुनाव हारना कोई बड़ी बात नहीं है, इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी थी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लड़ते रहिए। ठीक है भार्गव साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं भार्गव जी? ये काजोल जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब आते हैं ना, तो बिल्कुल रटा रटाया पढ़ा लिखा हिंदुस्तान पाकिस्तान जवाब दीजिएगा। धर्म, मेरी बात सुनिए काजोल जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। ठीक है, हमारा मेन मुद्दा उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता के विकास की बात है, उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात है, उत्तर प्रदेश में नौकरियों की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, कानून व्यवस्था की बात है। इसके ऊपर चर्चा भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करती है? जब इनसे ये बात करो तो इनके वही नजर आता है, 4-5 मुद्दा इनके पास जबान पे रटा रहता है, ये लाके उसे थोप देते हैं। अब रही बात उत्तर प्रदेश में, बताइए 4.5 साल में इन्होंने उत्तर प्रदेश के जनता को क्या दिया? इसके पहले शिक्षा का हाल आप देखिए, उत्तर प्रदेश के किसी भी प्राइमरी पाठशाला में चले जाइए, जहां पे टाट हुआ करता था, आज वहां पे कुत्ते बैठते हैं, वहां टाट भी नहीं मिलेगा। नहीं तो पहले भी बच्चे झाड़ू लगाते थे वहां पर, छोटे छोटे मासूम बच्चे झाड़ू लगाते थे, ऐसे बहुत सारे वीडियो आए। मैं ये नहीं कह रही कि अब नहीं आते, अब भी आते हैं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा आते थे। इन्हीं के सरकार में मिड डे मील का, नमक रोटी का दिखाने वाला पत्रकार जेल में चला जाता है। बिल्कुल आया था। इन्हीं के सरकार में पत्रकार सच्चाई दिखाने वाला जेल में होता है, इन्हीं के सरकार में पत्रकारों की हत्या होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार की बात कर रहे हैं। आप बताइए, जिस प्रदेश का मुखिया कहता हो थोप दिए जाओगे, ऊपर चले जाओगे। आप बताइए, गोरखपुर में मनीष गुप्ता को पुलिस वालों ने, बाबा की पुलिस ने थोप दिया, क्या निकला निष्कर्ष? बाबा के ही मंत्री, बाबा के भारतीय जनता पार्टी के किसान जो आंदोलन करते लखीमपुर में, वहां आके मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा देता है, ये ठोको की राजनीति है। अरे आपको ये जनता ने सत्ता क्या सौंप दी? आप लोग मस्त हो गए हो? नहीं तो विकास दुबे जैसे, विकास दुबे जैसे व्यक्ति को दोबारा से छोड़ दिया जाए, जिंदा कर दिया जाए, दूसरी जगह मुख्तार अंसारी जैसे व्यक्ति को भी जेल में ना डाला जाए, है ना? हाँ, तो आप ये बताइए हमको, तिवारी को जो आकर के लोग काट के चले जाते, हिंदू की सरकार है, लखनऊ में तिवारी को काट के चले जाते, क्या निष्कर्ष निकला? जब तक विकास इनको लाभ देता रहा, तब तक विकास भारतीय जनता पार्टी का था।
जिस दिन विकास ने इनको अरे तो आपने कर... का काम किया इनके साथ अरे तो उससे पहले जो सरकार की कार्रवाई तब क्यों नहीं की गई? ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि तीन साल में सब कुछ कर लिया होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना? काजोल जी सुनिए भाई, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता है, इतनी देर से सुनी नहीं हूं आप लोगों की मैं। विकास दुबे की हत्या, विकास दुबे की हत्या, अगर वो संविधान के दायरे में सजा मिलता तो उसका स्वागत करते, लेकिन उसकी गाड़ी पलट जाया करके यही रह गई उत्तर प्रदेश में। अरे इस देश में संविधान कोई चीज है? आप बताइए ये देश संविधान से चलेगा या धर्म से चलेगा? आप हम जो डिबेट कर रहे हैं भारतीय संविधान की बात है या धर्म की बात है? हम ये देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चल रहा है, ये धर्म 2017 में, 2017 में इतनी पसंद क्यों आई थी भारतीय जनता पार्टी? हम आपको बता रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं, आप सुनिए, अरे सुनिए काजोल जी, 2017 में क्या नाम है सुनते भारतीय समाज पार्टी के नेता थे और ओम प्रकाश राजवंशी थे, जो अमित शाह जी से लालच दिया होगा पक्का, ठाकुर जी से लालच आपको भी दिया होगा, तभी तो आसानी से मान गए थे आप। अरे सुने भाई सुने, देखो सुनोगे नहीं आता आप प्रवक्ता बन जाएंगे काजोल जी। नहीं नहीं प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं है, जब आप बात ही ऐसी करेंगे तो बीच में बोलना पड़ेगा ना, जैसे आपकी सुन रही हूं मैं। तो आप बताइए ना, आप बताइए हमको, या तो प्रवक्ता बन जाइए, आप हमको बोलने दीजिए। नहीं मुझे नहीं बनना प्रवक्ता, आप बने रहिए। हम बता रहे हैं आपको, सुनिए हमारी बातें। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की, जो ओम प्रकाश राजवंशी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में तय हुआ था, आप बताइए इसको लागू क्यों नहीं किया? शिक्षा अनिवार्य लागू करने की बात हुई थी, उसको क्यों नहीं लागू किया? गरीबों का बिजली बिल माफ करने की बात हुई, शिक्षा जो है, एक मिनट बहुत देर से चुप बैठे हैं तो अभी ये शांत नहीं होंगे, एक मिनट बस। स्वास्थ्य हमारे प्रदेश में फ्री होना चाहिए था, उसको क्यों नहीं किया? तो तमाम ऐसे मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, इसलिए उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजवंशी ने भाजपा की सत्ता को लात मार करके बाहर आने का काम किया काजोल जी। दूसरी बात हम आपको बताते हैं, इसी देश में हमारे देश में आप देखिए जातिवार जनगणना जो है। खेरा साहब एक मिनट, खेरा साहब ये क्या? नहीं एक मिनट भार्गव जी एक मिनट चुप हो जाइएगा, भार्गव साहब एक मिनट चुप हो जाइएगा। खेरा साहब क्या है, जब भी बीजेपी नेताओं से बात होने लग जाए तब ये हर बार ये धमकी क्यों कि हम उठ के चले जाएंगे डिबेट में से? पिछली बार भी ऐसे कई प्रवक्ता कह के चले जा चुके हैं, क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? नहीं बोला खेरा साहब, क्या हो जाता है? नहीं बोला, हर बार यही होता है। मैंने ये तो नहीं बोला, तो आप बोल रही हो। मैंने तो खाली ये कहा है कि लेक्चर सुनने नहीं आए, डिबेट की बात करी। तो आप भी तो इतनी देर से लेक्चर ही दे रहे थे ना, आप जब लड़ रहे थे तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था, दूसरों की बात सुनने की क्षमता नहीं है? ऐसे तो नहीं है बीजेपी के नेता, आप तो कहते हैं कि हमें बहुत क्षमता है, हमें बहुत सब्र है। जवाब दीजिए, चलिए आपने सब कुछ सुना है तो जवाब दीजिए। भार्गव साहब नहीं, बहुत देर से आपने टाइम लिया है, आप खेरा साहब बोलेंगे। पहले तो ये बता दीजिएगा इनके क्या प्रश्न है, जब इतना लगातार देखिए बहुत परेशानी है इन्हें, आपसे बहुत खफा है, बस बात इतनी है कि बहुत खफा है, हर मुद्दे पर खफा है। अरे क्या सापा ग्रुप से अलग हुई पार्टी वाले हैं? जी हाँ, चचा वाले न... माफ कीजिएगा, चचा वाले नहीं है। देखिए दयाराम भार्गव जी, ओम प्रकाश राजभर जी की ये पार्टी है और जो आप सपा के साथ जा रही है, आपसे नाराजगी है, 2017 में आपसे गठबंधन हुआ था। यही तो कह रहा हूँ, चचा भतीजी को इकट्ठा कर दिया। नहीं चचा भतीजे अभी अलग हैं, अभी एक नहीं हुए हैं। अच्छा खैर, उनके दोनों के जो बयान आ रहे हैं उसका मतलब कुल यही है, कम से कम एक दूसरे की इज्जत तो करने लगे। अब चचा की जिनको धक्का मारा था इज्जत तो करने लगे, और वो कह रहे हैं कि अगर मेरा पहला समझौता किसी से होता वो आशिफा जी कह रहे थे, तो वो सबसे पहले सापा से होगा। तो चलो ये तो एक बात है, लेकिन आप दो इकट्ठे हो जाओ, चार इकट्ठे हो जाओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो आपने अपनी आपराधिक छवि की, जो आपने इमेज बना ली, जो समाज का सरकार चली है, उस अपराधियों को सापा के साथ नकली उस सापा के आदमी बन के बैठे थे जो पकड़े गए बाद में, जिसके पीछे जनता ने इन्हें मिटा दिया, ये बार बार हमसे बात कर रहे हैं इनकाउंटर की। बता देता हूँ, अगर हमने 3,500 इनकाउंटर करे तो 12 या 13 लोग मरे, इसका मतलब हमारा इनकाउंटर मारना। ठीक है
अक्रम साहब ठीक है, अपराधियों को पकड़ा, ऐतिहासिक इनकाउंटर में सबसे कम अगर किसी प्रदेश में हुई हिंदुस्तान में आज तक, मैक्सिमम इनकाउंटर मिनिमम डेथ वो उत्तर प्रदेश में हुई है, इसलिए हमारा रिकॉर्ड तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात यह है जो जितने अपराधी आपने पाले थे उन्हें आधे से ज्यादा जेल में आप चुनाव जीतेंगे कहे पर, आम जनता की, आम जनता को आपका, आपकी पुलिस तो आम जनता को भी मार रही है, अपराधियों को तो बहुत दूर की बात है, इनसे पूछ लीजिए मनीष गुप्ता, आपकी पुलिस तो आम जनता को भी मार रही है, जवाब देंगे हम, पूछिए दीजिए ठीक है, जिस तरह से पुलिस द्वारा हत्याएं करवाई जा रही है व्यापारियों की, अक्रम साहब कुछ इनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए बांदा का जो है वो एसपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जितने क्या नाम है त्रिपाठी को गोली मार दिया था, खरे साहब फंस चुके हैं, आप फंस चुके हैं, आप जवाब देते जाइए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पुलिस व्यापारियों की हत्या कर रही है, ये खरा साहब क्या बोल रहे हैं, खरा साहब अब जवाब दीजिए, चलिए ठीक है मैं बता देती हूँ, खरा साहब सपा सुभाष सपा और कांग्रेस सिर्फ सबका एक ही सवाल है कि आप जो अपराधियों को जेल में डालने की बात कर रहे हैं, अपराध मुक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं, आपकी पुलिस तो आम जनता को भी नहीं छोड़ रही है, गोरखपुर में ले लीजिए अभी हाल फिलहाल का मामला है मनीष गुप्ता का, पीट पीट कर निर्मम हत्या, उसको सजा मिल गई, उसको पकड़ लिया गया है, जहां तक पुलिस का सवाल है, नहीं सजा मिल गई, अब सुन लो यार कस्टडी, अब आप इनको इनका जवाब दे दीजिए, कस्टडी में मौत किसकी हुई, एक घटना नहीं है, मारा गया अरे भाई फुरन लो का ले लो, देखिए समय 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 निकलता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा समय सबको मिलेगा, मैं बताना चाहूंगा, नहीं 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 समय निकलता जा रहा है, इतना के साथ लूट हत्या अपराध बलात्कार के अंडर अपराध है का जो उत्तर प्रदेश में हो रही है, क्या कह रहा थी बात, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा, जनता में बहुत भारी जा रही है, जिन बच्चों का जीवन लंबा होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, देखिए कांग्रेस उदय साहब को देख लीजिए, उदय साहब को देख लीजिए, कुछ सीख लीजिए, जो सत्ता पाने में भी उन्हें सब्र रखा हुआ है, अपनी नंबर आने में भी सब्र रखा हुआ है, और सपा के एमएलए से सरकार नहीं चलवाते हम, आप समानता सरकार जो चलाते थे समाज पार्टी के अध्यक्षों के थ्रू, समाज पार्टी के ब्लॉक अध्यक्षों के थ्रू रिपोर्ट तब लिखी जाती थी जब आपके समाज पार्टी पार्टी का अध्यक्ष बोल दे हाँ, नहीं तो थाना रिपोर्ट नहीं लिखता था, ये सब अब नहीं होता है, उस अब समांतर आपराधिक सरकार जो आपने चलाई 5 साल उसका आपको मिल गया है, आपको तो कहने का, अच्छा आज ये खबर, चलिए ठीक है आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं, अपराधियों के लिए सरकार, खरा साहब अब सुन लीजिए, खरा साहब अब सुन लीजिए, देखिए बहुत समय ले लिया, अब सुन लीजिए मेरी बात, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज एक खबर आई थी जहां पर यूपी से एक खबर है ये, जहां पर एक महिला ने भू समाधि ले ली, वो शिकायत करने गई, उसके जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ था, लेकिन वहां पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जब उसने भू समाधि ले ली तब हाथ पांव फूल गए प्रशासन के, क्यों ऐसा हमें करना पड़ेगा आम जनता को, तब जाकर प्रशासन एक्शन लेगा, सुशासन सुराज यही है, जवाब दे रहा हूँ आपको, ये मान के पुलिस या ऐसे किससे ऐसी घटना होती रही है, अब उनका मुकाबला करेंगे तो सबसे कम होगी आप समय नहीं, अगर अगर 2017 से पहले अगर एक बार सुन लीजिए खेरा साहब आप सुनते नहीं है, हमने सबसे ज्यादा अपराधियों को अंदर डाला है, सबसे ज्यादा आपको सुनने का समय हो तो लेकर अपराध तक का पूरा नहीं, और भी मेहमान बैठे हैं उनके भी रिकॉर्ड निकालोगे तो सबसे बेहतर होते हैं, ठीक है एनसीआरबी के एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो आप मानते नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए सुन लीजिए खैरा साहब, देखिए मेरे पास चार मिनट बचे हैं, चार गेस्ट हैं, एक एक मिनट देना पड़ेगा सबको, सुन लीजिए आप 5000 अगर आपराधिक आंकड़े आ रहे हैं 2017 से पहले और 2017 के बाद अगर वो 4500 हो गए हैं तो क्या कमी आई है, कोई कमी नहीं आई है भार्गव साहब जी, देखिए मैं यही बात काजोल जी बताना चाहूंगा, देखिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी जब उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए थे
तीन महीना इन्होंने नेताजी ने देखा है, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, तीन महीना इनकी गतिविधियों को देखते रहे। जब नेताजी ने देखा गांव गरीब किसानों मजदूरों की आवाज चौकी थाने में नहीं सुनवाई हो रही है, तो सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत किया कि थाने पे जो है ना डीओ, क्या नाम है, जिले में डीएम नहीं सुनता, थाने में जो है थाना अध्यक्ष नहीं सुनता, चौकी में चौकी इंचार्ज नहीं सुन रहा गरीबों की। और पिछली सरकारों में अगर पांच, देखो भ्रष्टाचार का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता काजोल जी, लेकिन पिछली सरकार में अगर गरीबों का 500 रुपए थाने में काम होता था, इस सरकार में 20 से 25 हजार लगता है, लेकिन उसका काम नहीं होता है, उसका जीता जागता सबूत मैं बताता हूँ। अभी आपको बता दूं, अंबेडकर नगर की एक घटना है, एक महिला जो है 3 साल से दौड़ रही है, मामला कुछ नहीं आबादी का विवाद है, और मजे की बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दबाव में उस महिला को अपना घर नहीं मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र शासन और चेहरा है। तो नेताजी इसी को लेकर के बार बार शिकायत करते रहे, लेकिन योगी सरकार के टाइम पे जो रहेगा, योगी सरकार और भाजपा कहती थी ओम प्रकाश राजवर्धी आप चुपचाप बने रहिए कैबिनेट मंत्री में, लेकिन नेताजी ने कहा अगर उसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो मुझे सत्ता में बने रहने का। भार्गव साहब ठीक है ठीक है ठीक है, समय की कमी है, भूदेव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। देखिए काजल जी, भैया जी मेरी भी सुन लीजिए, एक मिनट, उत्तर प्रदेश में 1.8 कमेंट लेने दीजिए, समय बहुत कम है। भूदेव जी, काजल जी, काजल जी, ये पूरा उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और वहाँ के युवा जानते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार सपा की सरकार में अपने चरम पर था, एक जाति विशेष को सभी नौकरियों में किस तरह से एक अघोषित आरक्षण दिया जा रहा था, और भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का तानाशाही शासन चल रहा है, तो ये पूरा देश जान चुका है, उत्तर प्रदेश की जनता भी जान चुकी है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जहां महिलाओं का महिलाओं के नेतृत्व में बनेगी, और अब आप चाहे विजय जी कितना भी हिंदू मुस्लिम कीजिए, गाय के नाम पे, मंदिर के नाम पे, सरकार के नाम पे, कांग्रेस की बनेगी, तो गैर सरकार विकास चाहिए। अकरम साहब आपसे आखिरी टिप्पणी, मजबूत विपक्ष अपने आप को मानते हैं लेकिन कांग्रेस आपसे आगे निकल रही है दौड़ में, बताइए। नहीं देखिए, कांग्रेस आप खड़े दौड़ में आगे निकल, लेकिन कांग्रेस अभी पिछले एक साल में जनता आवाज उठाना था, समाजवादी पार्टी लगातार सालों से हर मुद्दे पे जनता की आवाज उठाते रही है, पहली बार। दूसरी बात, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यार अपने मुंह में अभी टू बन रहे हैं, तो आप यहाँ पर बैठ करते वादे करते रहते हैं और पिछले दफा करते रहते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सारे काम ब्लैक होर्डिंग के माध्यम से कागजों पे होते हैं, उसी तरह से आप यहाँ के पास आपके यहाँ पर आपके मंत्री बेतुका बयान देते हैं, आपके मंत्री बेतुकी लोगों पर गाड़ी चलाते हैं। ठीक है ठीक है, अक्रम साहब आखिरी टिप्पणी, कहरा साहब, खरा साहब, इस चर्चा की आखिरी टिप्पणी आपसे, खरा साहब, ठीक है अक्रम साहब, सुन लिया ठीक है ठीक है ठीक है। हमारा पूरा का पूरा चुनाव केंद्रित रहेगा विकास और सिर्फ विकास के ऊपर, और आपराधिक तंत्र को नियंत्रित करने के लिए ये हमारा मुख्य रूप से विकास ही मुद्दा रहेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और हम उसी पर जीत लेंगे। इन लोगों का जितना पुराना इतिहास था वो इतिहास निर्धारण के लिए काफी है, कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, ठीक है ठीक है, ये नेता नहीं है, सपा का अपने आप पूरा रिकॉर्ड खुल चुका है आपराधिक, और जहाँ तक शिवपाल जी की पार्टी है उसी का एक हिस्सा है, दोनों ही आपराधिक तंत्र के, ठीक है ठीक है ठीक है। खैरा साहब बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यूपी की राजनीति में उठा पटक का दौर लगातार जारी है, प्रलोभन लगातार जनता को दिया जा रहा है, तमाम वादे तमाम दावे जनता से किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों और वादों पर कितनी खरी उतरती है पार्टियां, ये तो 2022 में ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।